हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी 10th में से। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए थे, वो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन पहले हमारे हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन को लिख लिया है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं, आईवी वाला क्वेश्चन है हमारा। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं इसमें हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए, 3 क्वेश्चन में अब आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। तो देखो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब इन दोनों में ये देख लेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा 4u कॉमन आ जाएगा, अंदर u बचेगा, u प्लस के 2। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4u हमारा 0 में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो बराबर में 0 रह के चलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो 4u इक्वल 0, मतलब ऐसे 4u इक्वल 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब इसको लेके चलेंगे u प्लस के 2 इक्वल 0 और u इक्वल माइनस के 2, मतलब ये मान के चलेंगे 4u का स्क्वायर प्लस के 8u का मान 0 है। ठीक है, तो वहां से हो जाएगा 4u इक्वल 0, तो u इक्वल 0 हो जाएगा, u प्लस के 2 इक्वल 0, तो u इक्वल माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे शून्यंक निकल के 0 और माइनस के 2। अब इसको सत्यापित कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेके चलेंगे शून्यंकों का योग, तो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, मतलब बराबर लेके चलेंगे यहाँ पे, माइनस ले लेंगे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्स का गुणांक, मतलब ये लेके चलेंगे तो इसका गुणांक कितना है 8, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस के 8, और एक्स स्क्वायर मतलब इसका गुणांक कितना है 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका योग देख लेंगे हम, दो वैल्यू निकल के आई हैं 0 प्लस माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस के 2 इक्वल, ये हमारा 2 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 2 इक्वल माइनस के 2, इस तरह से ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे शून्यंकों का, ये हमने योगफल निकाल लिया, योगफल। अब निकाल लेंगे शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल तो वो क्या होता है हमारा, अचर पद। ठीक है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देखो, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो 0 लेके चलेंगे, 0 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 0। अब इनका गुणांक लेके चलेंगे, हमारी क्या निकल के आए थे शून्यंक, 0 और माइनस के 2। ठीक है, तो 0 की गुणा माइनस के 2 में करेंगे। ठीक है, ये 0 हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सत्यापित होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वाला पार्ट। ठीक है, तो वी वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर माइनस के 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वी है टी स्क्वायर माइनस 15, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा देखो एक यहाँ पे फॉर्मूले में बन रहा है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खूब देखा पढ़ाया आपने, तो ए प्लस के बी होता है और ए माइनस के बी होता है, इस तरह से। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ कर देंगे टी का स्क्वायर
माइनस रूट में 15 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 15 को खोलेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए की जगह टी है और बी की जगह रूट में 15 है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे इसके शून्यांक निकालेंगे तो टी प्लस के रूट में 15 बराबर 0, ठीक है, वो चीज भी लिख लेते हैं एक बार, मतलब अतः टी का स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 है, तो यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के सॉरी टी इक्वल रूट में 15 बराबर 0, तो ये टी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां निकालेंगे टी माइनस के रूट में 15 प्लस में, ठीक है, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के रूट में 15 हो जाएंगे, मतलब इसके जो शून्यांक निकल गए माइनस के रूट में 15 और प्लस के रूट में 15, इस तरह से यहाँ पे इसके शून्यांक निकल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ लेके चलेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल लेके चलेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस लेके चलेंगे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का, एक्स गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेंगे, इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं, अब हम एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी माइनस ये एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें देख लेते हैं, देखो टर्म्स उसमें कुछ भी दे लेकिन वही चलेगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमें इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की, ठीक है। तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो वो ऐसे मान के चल लेंगे कि टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें एक्स का गुणांक दिया हुआ है, कोई नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब टी का गुणांक क्या दिया हुआ है, 1, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे योग करके देखेंगे, इसका रूट में 15 है और ये माइनस के रूट में 15 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 15 माइनस के रूट में 15 इक्वल ये जीरो आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल जीरो, इस तरह से, ठीक है। अब शून्य अंकों का गुणनफल लेके चलेंगे, ठीक है, शून्य अंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद क्या है हमारा, अचर पद देखो, अचर पद क्या है हमारा, 15 है, ठीक है, अचर पद माइनस के 15 है, ठीक है, माइनस के 15 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 1 है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब इसके गुणांक निकाल के चल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 15 है ये हमारी, ठीक है, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, और एक बार माइनस के रूट में 15 है, ठीक है, और इक्वल क्या आया, ये माइनस के 15 आ गया, ठीक है। जब रूट में रूट की गुणांक करेंगे, रूट 15 में रूट 15 की माइनस तो आ रहा है, तो माइनस के 15 बराबर 15 माइनस के 15, इस तरह से ये सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, 3 क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 3x² - x - 4, इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, लिख लो यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिख लेते हैं हम vi, ठीक है, तो ये कह रहे हैं 3x² - x - 4, तो इसके भी हमको फैक्टर करने, पहले ये देख लेते हैं 3 - 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 माइनस के। अब हमको 12 के फैक्टर करने हैं कि गुणा करके तो 12 आने चाहिए, ऐसी दो संख्याएं देखनी है, और गुणा करके एक मतलब एक्स आना चाहिए, तो 2 से करेंगे, 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, और 4 × 3 = 12, तो इसके फैक्टर 4 और 3 हो जाएंगे, मतलब 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब तो देखो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आपको फैक्टर करने आ गए होंगे, आपको अगर फिर भी अच्छे से नहीं आए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है, तो देख लेंगे। अब यहाँ से देखो हमारा
कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस के 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे 3x माइनस के 4, तो दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही हैं, इनमें से उतार लेंगे एक, ठीक है 3x माइनस के 4 और ये x प्लस के 1। अब लेके चलेंगे अतः 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 का मान शून्य है, ठीक है, तो यहाँ लेके चलेंगे 3x माइनस के 4 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल 4 हो जाएगा, अब x इक्वल 4 अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेके चलेंगे x प्लस के 1 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 1, तो हमारे शून्यांक आ गए 4 अपॉन 3 और माइनस के 1। अब सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है, यहाँ लेके चलेंगे शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग वही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, माइनस लेके चलेंगे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देख लेंगे यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या आ रहा है, माइनस तो आ रहा है, ये भी माइनस के 1 हो जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस के 1 अंदर आ जाएगा, ये एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इसके योग को कर लेंगे, तो मतलब 4 अपॉन 3 माइनस के 1 इक्वल 1 अपॉन 3 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 माइनस के 3, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 3 आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको करेंगे 4 में से 3 गए तो 1, तो 1 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3। इस तरह से इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी योगफल की, ठीक है, सॉरी ये योगफल लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला लगा के चलेंगे, शून्यांकों का गुणनफल के लिए लेके चलेंगे अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से। ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अचर पद हमारा क्या है, माइनस के 4 है, ठीक है, ये क्या है 3 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या ये वही हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन 3। अब इन दोनों के जो शून्यांक निकल के आए इनके गुणनखंड कर लें, मतलब गुणा कर लेंगे, तो 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस के 1 इक्वल क्या है, माइनस के 4 अपॉन 3 है, तो एक क्या हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन 3 हो जाएगा और ये भी माइनस के 4 अपॉन 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए थे और ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको करा दिए हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका दूसरा पार्ट, इसके क्वेश्चन बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।